गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी 2019 है। आज के करंट अफेयर्स में पहला है, आरबीआई ने एक पैनल बनाया है। यह पैनल 5 सदस्यों की है और इस पैनल के चेयरमैन है नंदन नीलकानी। नंदन नीलकानी इन्फोसिस के चेयरमैन भी हैं। इस पैनल का काम क्या है? इस पैनल का काम दो काम दिया गया है। काम पहला काम है कि डिजिटल पेमेंट की सहायता से फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के तरीके पहचान करने हैं, और दूसरा काम है डिजिटल पेमेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने के उपाय बताने हैं। तो दो काम दिया गया है इस पैनल को। इस पैनल को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब नीचे कुछ डिजिटल पेमेंट्स के बारे में दिया गया है। बताया गया है कि 2017-18 में कार्ड पेमेंट 43% बढ़ा था उसके पहले साल के बनिस्पत, मतलब 16-17 के बनिस्पत। 17-18 में कार्ड से जो पेमेंट हुआ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से 43% बढ़ा था। फिर आगे बताया गया है कि यूपीआई से, जो भीम ऐप बेस्ड होता है, यूपीआई से पेमेंट 16 टाइम ईयर ऑन ईयर, हर साल 16 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट कितना बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, गरीबों को भी फायदा मिले, सबको फायदा मिले, कोई वंचित ना रह जाए, ये करना है। साथ में इसकी सुरक्षा, बहुत बड़ी बात चल रही है सुरक्षा पे, कि सुरक्षा इसका सही से होना चाहिए। तो इसके तरीके भी सजेस्ट करने हैं इस पैनल को। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये स्विट्जरलैंड का है, क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस ने कहा है कि 2023 तक इंडिया का डिजिटल पेमेंट 5 गुना बढ़ जाएगा। अभी जितना है इसका 5 गुना हो जाएगा और ये बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट का स्कोप कितना अधिक है। बढ़ तो रहा है, तो बढ़ने में फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, मतलब कोई छूट ना जाए, कोई वर्ग वंचित ना हो जाए, और साथ में इसकी सुरक्षा की कैसे गारंटी हो सके, ये इंश्योर करना है इस पैनल को। नंदन नीलकानी के बारे में लिखा गया है, नंदन नीलकानी UIDAI के पहले चेयरमैन थे। UIDAI जानते हैं आप, आधार कार्ड बना था इसी UIDAI के द्वारा ही। आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूज है, विक्रम मिश्री को चाइना का अम्बेसडर, इंडिया ने चाइना का अम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। मतलब चाइना में हमारे राजदूत होंगे, इनका नाम होगा विक्रम मिश्री। ये 7 जनवरी से पदभार संभाल लिया इन्होंने। तीसरा न्यूज है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ये साउथ कोरिया के हैं, जिम योंग किम। इन्होंने कहा है कि 1 तारीख से अपने पद त्याग कर रहे हैं। तो यह भी एक न्यूज है। चौथा न्यूज है, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ज्वाइन किया है एज चीफ इकोनॉमिस्ट। तो यह ऐसा करने वाली पहली महिला हैं, इतने टॉप पोजीशन पर पहुंचने वाली IMF में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। IMF के बारे में बताया गया है कि IMF का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनिटरी कॉपरेशन है उसको प्रमोट करना, सभी देश आप आसपास में कोऑपरेट करें, इसको प्रमोट करना इसका काम होता है। इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है। इसमें 189 मेंबर्स हैं। साथ में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नाम लिखा है, नाम उसका नाम है क्रिस्टीन लगाड़े। तो इस तरह से ये गीता गोपीनाथ के बारे में हुआ। अगला है, मोनसांटो एक कंपनी है USA की। यह बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और यह दुनिया की सबसे बड़ी बीज निर्माण करने वाली कंपनी, सीड मेकर कंपनी है, बीज बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने केस कर दिया था, केस कर दिया था। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि GM कॉटन सीड है, उस पर हम कोई पेटेंट हम परमिट नहीं करने वाले हैं आपको, आपको मतलब मोनसांटो को। मोनसांटो ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल कोई पेटेंट आपको परमिट नहीं किया जाएगा GM कॉटन सीड पे। लेकिन इन्होंने फिर अपील कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, आपको, आप पेटेंट क्लेम कर सकते हैं GM कॉटन सीड पे। तो इस तरह से यह न्यूज़ हुआ, मोनसांटो पेटेंट अब क्लेम करेगा GM कॉटन सीड पे। सिक्स्थ न्यूज है, फोर्थ एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग चल रहा है न्यू दिल्ली में। और इस डायलॉग में जो जो उद्घाटन भाषण दिया है वो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री मिस एरना सोलबर्ग। इन्होंने उद्घाटन भाषण दिया है इसमें, और 93 कंट्रीज से लगभग 600 डेलीगेट्स, प्रतिनिधि आए हैं भाग लेने के लिए।
और इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज कराता है एक्सटर्नल विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दो कराते हैं मिलकर इसको ऑर्गेनाइज। विदेश मंत्रालय और ऑर्गेनाइजर रिसर्च फाउंडेशन कराते हैं ऐसे रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज, हर साल कराते हैं दोनों ही। इस साल का थीम है वर्ल्ड रीऑर्डर, न्यू ज्योमेट्रीज, फ्लूइड रिलेशन पार्टनरशिप, अनसर्टेन आउटकम्स। तो इस तरह से सिक्स न्यूज हुआ रायसीना डायलॉग के बारे में। सेवेंथ न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या लैंड टाइटल डिस्प्यूट, इसको बोलते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल डिस्प्यूट भी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया है। अब ये संवैधानिक पीठ अब अयोध्या लैंड टाइटल डिस्प्यूट को सुनेंगी और ये पहला सुनवाई करेगी 10 जनवरी 2019 को। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कर दिया है। अब आते हैं 8 नंबर न्यूज़ पे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को फिर से पदस्थापित कर दिया है। अब क्या मैटर है, अक्टूबर के महीने में आलोक वर्मा और उनके डेप्यूटी राकेश अस्थाना के बीच कुछ हुआ था जो स्वीकार्य नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आलोक वर्मा को कि फिलहाल आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए और छुट्टी पे चले जाइए। तो इस तरह से आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, डिसीजन हम आपको देंगे, और डिसीजन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीसी चीफ विजिलेंस कमीशन, कोई भी जो सीबीआई चीफ होते हैं उनके उनका पद अवधि ख़त्म होने से पहले उनको हटा सके। मतलब सीधा कह दिया है कि आलोक वर्मा अपने जितना टेन्योर है, पद अवधि है, उस तक काम करेंगे, उससे पहले उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। इतना कहकर उन्होंने उनको फिर से सीबीआई डायरेक्टर बना दिया है। लेकिन यह भी कहा है कि अभी आप बड़े डिसीजन नहीं लेंगे, अभी जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट रिजोल्व हुआ नहीं टोटली, तो उनको कह दिया कि बड़े डिसीजन आप अभी नहीं लेंगे, ये सब्सिक्वेंटली होगा। 9th नंबर न्यूज है इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.2% इन फाइनेंशियल 2018-19। सीएसओ होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या इसका काम होता है जीडीपी डाटा को रिलीज करना। तो इसने पहले कहा था कि 2018-19 में जो जीडीपी होगा 7.4% होगा, लेकिन इसने उसको रिवाइज करके फिर कहा है कि नहीं, 7.4% नहीं होगा, ये 7.2% होगा। लेकिन फिर भी यह जो आंकड़ा है 7.2% का पिछले साल से अच्छा है। पिछला साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जीडीपी था 6.7%। 10 नंबर न्यूज है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई, राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण, इसने एक बैन लगा दिया है। इसने क्या कहा है कि जितना सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक अब 129 एयरपोर्ट्स पे तो नहीं चलेंगे, अब बैन हो गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन होते हैं, मतलब वैसे प्लास्टिक जिनका प्रयोग हम केवल एक बार करते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, उनको सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं जिसमें हम खाते हैं, वो स्ट्रॉज होते हैं, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। 11th है सेकेंड खेलो इंडिया गेम पुणे। फ्रेंड्स, फर्स्ट खेलो इंडिया गेम हुआ था न्यू दिल्ली में, अभी सेकेंड खेलो इंडिया गेम्स हो रहा है पुणे में। इसमें बताया गया है कि होगा, आज से ही हो रहा है। इसमें बताया गया है कि इसमें 9,000 प्लेयर्स भाग लेंगे, जो 18 डिफरेंट इवेंट्स में भाग लेंगे 9,000 प्लेयर्स। और इसमें जो भी प्लेयर्स भाग लेंगे उनको वित्तीय सहायता, आधारभूत सहायता ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये नया कदम उठाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल से खेलो इंडिया गेम्स। अब आते हैं अगले न्यूज पे, न्यूज नंबर 12 है बस सर्विस शुरू करी गई है प्रयागराज और काटरा के बीच में। आप जानते हैं काटरा जम्मू कश्मीर में है, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ काटरा जाना पड़ता है। तो प्रयागराज और काटरा के बीच
बस सर्विस शुरू करी गई है। इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। इसको शुरू किया है 7 जनवरी 2019 को। ये अभी इसका फिलहाल फ़ायदा क्या है, अभी क्यों यूज किया गया, इसका जो फिलहाल फ़ायदा होने वाला है ये होने वाला है कि प्रयागराज में कुंभ होगा 15 जनवरी से। तो कुंभ जो आएंगे तीर्थयात्री, अगर वो चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें, तो वो प्रयागराज से ही बस में जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन जो कि काटरा में है वहाँ जा सकते हैं, और फिर वापस भी आ सकते हैं बस से। इस तरह से ये बस सर्विस है, एसी बस सर्विस है, और इसका जो कॉस्ट बताया गया है 1,333 रुपये होगा एक आदमी का कॉस्ट। इसका रूट भी बताया गया है, यह प्रयागराज से होकर लखनऊ जाएगी, वहाँ से दिल्ली जाएगी एंड दिल्ली से काटरा जाएगी। इस तरह से ये आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।